शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बैठक में शामिल होने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा उनका वेतन बंद कर दिया गया है। नमस्कार, कथित न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि के पाठक ने बड़ा कदम उठाया है। कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन बंद कर दिया गया है के पाठक के आदेश के बाद। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। दरअसल बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन बंद किया गया है। इसके साथ ही उनके वित्तीय अधिकार पर भी रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग ने गुरुवार को की है। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद बिहार विश्वविद्यालय अधीनस्थ कॉलेजों का निरीक्षण नहीं करा रहा है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र भी लेट है। सत्र नियमित करने के लिए परीक्षा व रिजल्ट को लेकर रोस्टर के अनुपालन की रिपोर्ट भी विश्वविद्यालय ने विभाग को नहीं दी है। शिक्षा विभाग के तय शेड्यूल के तहत गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक थी। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में विभाग के अधिकारी घंटों इंतजार करते रहे कि बिहार विश्वविद्यालय के वीसी और प्रो वीसी उसमें बैठक में जुड़ेंगे, लेकिन वो नहीं आए। ऐसे में बड़ा एक्शन लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। के पाठक की तरफ से वीसी और प्रो वीसी का वेतन बंद कर दिया गया है। ये शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के विभाग का पदभार संभालने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन रोका गया है। बड़ा कदम उठाया गया है। और साथ ही साथ जो बात है, जिस तरह से बिहार विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों को निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था, उस निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। सत्र को नियमित करने और परीक्षा व रिजल्ट को लेकर रोस्टर के अनुपालन की रिपोर्ट भी विश्वविद्यालय ने शिक्षा विभाग को नहीं सौंपी। इन तमाम कारगुजारियों के मद्देनजर जिस तरह से आदेश दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया और उसके बाद के पाठक की बैठक में शामिल नहीं हुए कुलपति और प्रतिकुलपति, उसके बाद बड़ा एक्शन ले लिया गया शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा। दोनों का वेतन बंद कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।